शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। All the characters and events are fictional. They do not have any kind of connectivity to real life. Any resemblance to real person living or dead will be coincidence. This film is not to blame or malign any political parties. इस फिल्म के सभी पात्र तथा घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता महज एक संयोग ही होगा। ये फिल्म किसी भी राजनीतिक दल को अपमानित करने के लिए नहीं है। कधीपासून फोन करतोय मी तुम्हाला? कुठे होतात? झोपला होतात की काय? बरं जाऊ द्या, पेन पेपर घ्या आणि एक नंबर लिहून घ्या। बोलू? बोला। हा 98 20 41 आणि ऐका, माझ्या शर्टाच्या खिशामध्ये त्याचं कार्ड पण आहे। मंगेश कदम नाव आहे त्याचं, जनकल्याण पार्टीचा कार्यकर्ता आहे तो। त्याला जाऊन भेटा आणि माझं नाव सांगा। बर। आणि काका, मी रात्रीपर्यंत पोहोचेन। माझी वाट बघू नका, तुम्ही जेवून घ्या। माझ्यासाठी काय बनवू पण नका, आठवणीनं त्याला जाऊन भेटा। काका, सकारात्मक विचार ठेवा, काहीतरी चांगलंच होईल। ठीक आहे, मी आता फोन ठेवतो, रात्री भेटूया। बर बर। संकेत, संजीत अँड मनोज, टेररिझम, ओंकार प्रणव, आकाश अँड संदीप, ग्लोबल वॉर्मिंग, आकाश नंदिनी, गौतमी अँड प्रिया, बॉलिवूड,
श्वेता तेजल मेघना नीतू करप्शन नितिन शैलेश डॅनिल नक्सलाइट इश्यू कृष्णन सचिन कॅरॉल कादंबरी युअर टॉपिक इज ॲग्रिकल्चरल सेक्टर अँड फार्मर सुसाईड्स हॅपनिंग अक्रॉस इंडिया अँड लिसन ऑल ऑफ यू 50 मार्क्स विल बी गिवन फॉर धिस प्रोजेक्ट यात स्पोर्ट्स बॉलिवूड ऐसा कुछ होता ना तो मजा आता ये फार्मर सुसाइड पर प्रोजेक्ट शूट करना 50 मार्क तो गए अपने लाइफ में सब कुछ इजी चाहिए थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक मिला तो फन गए शी इज राइट एक्चुअली यार टॉपिक पर इंटरेस्ट लोगे तभी तो इंटरेस्टिंग लगेगा ना और एवरीडे न्यूज़पेपर में आता ही है विदर्भ में मराठवाड़ा में किसान ने आत्महत्या की न्यूज़पेपर के किसी ना किसी कोने में रहता ही है इशू पेपर आर्टिकल सबमिट नहीं करना है डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म शूट करके देनी है इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से मुंबई साइड चलते हैं वहाँ बहुत दबे वाले घूमते हैं उसे पकड़ते हैं या लोग महाराष्ट्र के रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं गूगल सर्च मारते हैं काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इडियट इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी लेकिन प्रोजेक्ट शूट करके सबमिट करना है 50 मार्क का सवाल है यार एक काम करते हैं लेकिन तुम लोगों को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी बोल तो सही मेरे गांव चलते हैं नांदेड़ 2-3 दिन में काम खत्म करके वापस आ जाते नहीं 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 वहां तक कौन जाएगा करवाने पागल है क्या आई एम रेडी 50 मार्क्स का सवाल है इवन आई एम रेडी 50 मार्क के लिए 500 मील दूर गाइज आर यू आउट ऑफ योर माइंड नांदेड़ जाना है कैरल और ये आई एम रेडी तो ऐसे बोल रही है जैसे नायगांव जा रही हो एक काम करो यू गाइज कैरी ऑन मैं नहीं आ रहा बाय हे कृष्णन सुनना लाइसेंस है कि नहीं अरे बाय रोड जाता हूँ अपने फैमिली के साथ में बिना लाइसेंस जाऊंगा क्या हैंडीकैम किसी ने लिया है कि नहीं मैंने लिया है और अपना लैपटॉप और इंटरनेट यूएसबी मॉडम मैंने लिया है वैसे तू क्या लाई है अपना दिमाग ओह वाओ मैं शूट करूंगी और अपने प्रोजेक्ट को क्या-क्या इंफॉर्मेशन जरूरी है सब मैंने सोच लिया हे गाइस कृष्णा इज कॉलिंग अरे वाह हां बोल अच्छा कहां पहुंचे और जा कैसे रहे हो बस निकाल चुके हैं बाय रोड सचिन के कार से हाँ तो ठीक है एक काम करो तुम मेरे आ जाओ मैं भी आ रहा हूँ 500 मील दूर है कृष्णन अरे बस करो यार आ रहा हूँ बोला ना अच्छा गाड़ी ना सीधा मेरे बिल्डिंग क्या ले लो तब तक मैं रेडी होता हूँ ओके ए, उसको बोल खाने के लिए कुछ लेकर आ और पानी की बोतल भी ले लेना यार अननेसेसरी ना बिसलेरी की बोतल खरीदते रहेंगे हम लोग बहुत बॉटल्स है गाड़ी में अरे
यार एक्स्ट्रा बॉटल पड़ी रहेगी ना तो कोई टेंशन नहीं है, समझी? पानी की बॉटल ले लेना। अरे हाँ तुम लोग आओ तो सही, मिलते हैं। ओके या बाय। सॉरी चाचा, लगी तो नहीं ना आपको? ज्यादा लगी तो नहीं ना चाचा? ज्यादा नहीं लगी चाचा को। सचिन चेकअप करा लेते हैं। अंदरूनी मार भी लग सकती है। हाँ मालूम है चाचा, अंदरूनी मार भी लग सकती है, सही कह रहे हैं, चेकअप करा लेते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। देखो देखो मेरे फ्रेंड के डैड ना डॉक्टर है, नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, चलो। चलो 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 जा। कभी पता चला ना कौन सा फ्रेंड और उसके कौन से डॉक्टर है? हाँ यार क्या करे, कौन से डॉक्टर के पास लेके जाए इनको? गाइस ही इज लिसनिंग टॉकिंग इंग्लिश। ओके लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल लेट्स टेक हिम टू द नॉर्मल क्लिनिक। शी यार स्टिल वी हैव टू पिक अप कृष्णन, आई थिंक वी आर वेस्टिंग अ टाइम विद दिस मैन। चाचा कैसा लग रहा है अभी? हां ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। पहले से अच्छा लग रहा है? हाँ, पहले से अच्छा लग रहा है। अरे वाह, चाचा को पहले से अच्छा लग रहा है, वाह 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 वाह। क्या हुआ? अरे जब चाचा को पहले से अच्छा लग रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं है ना चाचा। हाँ। क्यों फालतू में आपका टाइम भी बर्बाद करे और हमारा भी बर्बाद करे? ठीक है चाचा, फिर आप जाइए और माफ करिएगा अगर जोर से लगी हो तो। आभार। लेट हो गए। जा रहे हैं ना? हाँ। वो काम यहाँ पे भी हो सकता है। यार यू हैव गॉट द राइट मैन इन द राइट प्लेस। क्या बोल रही है? क्या राइट मैन? यार ये जो चाचा अपने साथ थे ना, उनके थैले में से ये सारे लेटर्स मिले हैं। चीफ मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखे गए हैं। और कुछ नहीं, फार्मर्स के सुसाइड लेटर्स हैं। मराठी में लिखे गए हैं। मराठी? तेरे को कहाँ से आती मराठी? ये बावड़ाट वाचायला येते आणि बोलायला पण येते। ए सचिन गाड़ी घुमा, इधर ही करते हैं प्रोजेक्ट। Project is on right from now. Gari, Kumar! Are Kumar aao na main. Thank you.
यही तो उतारा था इनको, कहाँ चले गए? थाले फाले ही चेक करना था। ए डम्बो, उसकी पर्सनल चीज़ उसके सामने ही चेक करूँ क्या? थोड़ी देर और गाड़ी में बैठा रहता तो क्या जाता? और ये अगर क्लिनिक ले जाते ना तो थैला देखने का सोचता मुझे। अगर मगर का कोई मतलब नहीं अभी, मैं तो बोलता हूँ नांदेड़ चलो। थोड़े यहाँ वहाँ और चेक कर लेते हैं, इसी एरिया में होगा, बहुत दूर ना ही गया होगा। ऐसे नहीं मिलेंगे वो भी तो परेशान होंगे। थोड़ा और देख लेते ना यार पूरा एरिया। कृष्णा इज कॉलिंग, क्या बोलूं उसको? उसको बोलना 10 मिनट में पहुंच रहा है। हाँ मैं रेडी हूँ, तुम लोग कहाँ पे हो? बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओके ठीक है। आई थिंक लेट्स मूव फ्रॉम हियर, कोई मतलब नहीं है। साला नसीबी गांडू है तो क्या करेगा पांडू, इससे अच्छा अपना प्रोजेक्ट नहीं बन सकता था। कितना कुछ जानने को मिलता पता है उससे। अरे शुक्र है आप लोग मिल गए, कितना ढूंढा आप लोगों को। मेरा थैला, थैला दो। आप कहाँ थे, हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे। थैला दो। एक मिनट। हाँ। ये लो। हाँ। चाचा। अरे सुनिए चाचा, चाचा सुनिए। काका हमें आपसे काम था। मुझसे? हाँ। मुझसे क्या काम हो सकता है आप लोगों को? पप्पू इसका मतलब है चाचा के हम आपके काम आ सकते हैं। आप लोग मेरे काम आ सकते हो कैसे? हम लोग इसके खास है काम आ सकते हैं, कुछ भी दिमाग है? है रे, तू चुप कर। वो क्या है ना चाचा, पहले तो आप माफ करिएगा, जो आपके थैले में सब जो लेटर्स है ना वो मैंने पढ़ लिए। क्या? हाँ, वो हम लोग सब एक एनजीओ से बिलोंग करते हैं। एनजीओ? हाँ हाँ काका, ही बिन सरकारी संस्था है, तर तुमच्या सारख्या लोकांची तकलीफ ना आम्ही सरकारकडे पोहोचवून मदत करतो। बरोबर ना? बरोबर बरोबर, एकदम बरोबर। और हम लोग तो ना चाचा ढूंढते ही रहते हैं ऐसे लोग वैसे, जिसकी हम उनकी तकलीफ गवर्नमेंट तक पहुंचाकर हम उनकी मदद कर सके। हमारी संस्था का काम ही है ये। इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्वार्थ नहीं होता, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट से लड़ती है। वेरी गुड यार। लेकिन चाचा इसके लिए हमें आपसे काफी कुछ जानना पड़ेगा। जैसे? जैसे आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आत्महत्या करने के लिए किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, और गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप लोग, ऐसे ही कुछ छोटी मोटी पर काफी कुछ जानना चाहते हैं आपसे, और कुछ नहीं। टाइम क्या हुआ? टाइम ठीक है, तो चाचा आपको कहीं पर भी जाना होगा तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको छोड़ देंगे। नांदेड़ में किसी का पार्सल है क्या? Shut up. We are not going to नांदेड़. What? 50 marks के लिए 500 माइल दूर जाने की जरूरत नहीं है, 50 marks खुद चल के 500 माइल दूर से आए हैं। क्या बोल रही है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, actually what happened? This guy met a minor accident with a car. So basically people got gathered and forcefully told us to take him to the nearby hospital. क्या पता there could be an internal injuries also. पर तुम लोग मेरे से इंग्लिश में इतना क्यों बात कर रहे हो? अरे यार listen, he's got suicide letters in his bag written to the chief minister, prime minister and agricultural minister addressing the problems they are facing in the agricultural sector and
have lied to him that we are from an NGO and will see to it that the problems get solved by the government. Got it. वो सब ठीक है, पर तुम लोग इंग्लिश में क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अबे चू, just to make you duffer understand that we have lied to him and we don't want him to know, especially from you, that we are students doing a project on this issue. क्योंकि duffer तू चलती गाड़ी में चढ़ा है. So Nandir cancel and the project is on right from now. Got it? Khusa kuch? Okay. Yellow handicap? Charged hai? Charger leke aaiye na? Charger bhi hai aur extra battery bhi hai. Good. Arre tu pehle chalu to kar. Koi acha sa location milte hi main gaadi rukata hu. Theek hai. Yeah. Chacha main aapse sawal poochti hu, aap jawab dete jaiye. Theek hai? नहीं या नहीं चाचा, या यहाँ देखिए. ठीक है चाचा, आपका नाम क्या है? तुकाराम इंगले. आपके गांव का नाम? नंदगांव मराठवाड़ा. आपकी एज क्या होगी चाचा? क्या? अरे दादा वही वही विचारते हैं तुमसे भाई. 60. और आपके घर में कौन कौन है? मेरी बीवी है, मेरी बेटी है. खेती कौन सी करते हैं आप लोग? कापूस. चाचा आपके घर में से किसी ने आत्महत्या की है क्या? ब्रेक क्यों मारा? सिग्नल चालू है ना? अरे यार शमशान यात्रा निकल रही है. से एक मेरा बेटा था. ऐसे 5-6 किसान रोज आत्महत्या करते हैं. पहले मुझे लगा था ये तकलीफ सिर्फ महाराष्ट्र में है, बाद में पता चला ये तो पूरे देश में. अब तक लगभग 3,00,000 किसान आत्महत्या कर चुके. पर सही वजह क्या है इसके पीछे? वजह वही विदेशी बीज जो सरकार ने हम पर थोपा है. मौसम का भरोसा नहीं, बैंकों का लोन, साहूकारों का लोन. तो ये जो आपके बेटे हैं और बाकी जिन लोगों ने आत्महत्या की, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई मदद या कोई राहत कुछ मिला? मेरे बेटे ने आत्महत्या की है. जमीन किसके नाम पर है? मेरे नाम पर. तो फिर नहीं मिलेगा. जमीन जिसके नाम पर है उसी को मिल सकता है. कीटनाशक नहीं, ज्यादा दारू पीने से मौत हुई है. माजा मुलगा. ठीक है ठीक है, जमीन किसके नाम पर है? माजा मुलाचा नावर है. कागज दिखा दे. हमारी जमीन तो 2 साल से गिरी पड़ी है साहब. हम तो हमारी जमीन पर रोजी पर काम कर रहे हैं. नहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता साहब. जमीन मेरे पिताजी के नाम पर है साहब. कागजात लेकर आना. ये मुआवजा तो बहुत लोगों तक पहुंचता भी नहीं है. तुम्हारी उम्र क्या है? क्यों? ये सब सवालों के जवाब जानकर आप लोग हमारी मदद कैसे करोगे? कैसे मदद कर सकते हैं? दादा ये जो हमारे पास है वो हम क्या करें? हम सब आपकी ये जो आपने कहा उसको गवर्नमेंट था ले जाके आपके गांव में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द.
बदलाओ। ये जो एम्बुलेंस की सुविधा है ये हमारे गांव में आ सकती है क्या? ये बदलाव ला सकते हो? खैर छोड़ो, और भी बहुत सारी बातें हैं। राम राम मालिक, जनावर आणले तुमच्या टाउनीला, त्याला ठेवून काय पैसे द्या, लय उपकार होतील तुमचे। लय उपकार तुमचं। क्या करे दादा, ये बीज और खत के लिए गिरवी रख दिए, और ये विदेशी बीज भी कितने महंगे। अरे कितनी बार समझाया तुम लोगों को कि देसी ढंग से खेती करो, पर तुम लोग सुनते कहाँ हो? अब भुगतो विदेशी बीज का परिणाम। फिर क्या, मुंह उठा के आकाश की तरफ देखते रहो, बारिश होगी तो काम चलेगा, नहीं तो अपना काम तमाम करके शमशान की तरफ कूच करो, और फिर प्रधानमंत्री का मुआवजा लेके पहुंच जाते हैं सरकारी बाबू। यानी रिलीफ फंड, मुआवजा, मुआवजा कितने तक का मिलता है? 1,00,000, जीते जी 20,000 रुपए कोई नहीं देता, मर जाओ 2,00,000 रुपए का मुआवजा। पानी की समस्या है तो कोई डैम नहीं है, वो क्या कहते हैं, बांध, बांध नहीं है गांव में, है ना? 80% पानी तो कंपनियों को चला जाता है, पानी है, बिजली नहीं है तो क्या करोगे? दादा तो फिर सही मायने में प्रॉब्लम कहाँ है आपके हिसाब से? विदेशी बीज, विदेशी डीडी बीज। पहले हम कुदरती तौर तरीकों से खेती किया करते थे, लेकिन अब सरकार बोलती है कि विदेशी बीज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें खर्चा ज्यादा होता है, मुनाफा कम होता है, और जब भाव गिरते हैं तो फिर कम भाव में माल बेचना पड़ता है कर्जा चुकाने के लिए। बाहर के देश वाले यहाँ आके अपना माल कम दाम में बेचते हैं और खूब अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, और हमारा माल यहाँ की मिल खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होती। सही बात है, वो क्यों महंगा लेंगे, जहाँ से सस्ता मिल रहा हो वही से लेंगे। तो फिर आपको गवर्नमेंट से शिकायत होनी चाहिए। मैंने कब कहा मुझे उनसे शिकायत, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी तकलीफों की तरफ ध्यान दें, जैसे सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा दें, हमारा कर्ज अगर माफ करना है तो पूरा करें, विदेशी बीज हम पर लादने की कोशिश न करें, हमें पुराने तौर तरीकों से खेती करने दें, कापूस के भाव में स्थिरता लाएं। अब तक जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनके परिवारजनों को मुआवजा मिले, और उन्हें जमीन के कागजात के आधार पर न तोले। तो ये सब आपकी मांगे हैं सरकार से? मांगे नहीं, विनती है। ऐसा नहीं कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, हमारी बेटियों की शादी का खर्चा उठाया है, साहूकारों पर रोक लगाई है, ठगेबाजी कम कर दी है,
लेकिन प्रधानमंत्री का मुआवजा यहाँ तक नहीं पहुंचता। औरतों को किसान ही नहीं मानते, वो भी खेतों में काम करती, बहुत सारी औरतों ने भी आत्महत्या की। अरे मुझे कहीं जाना है। कोई बात नहीं दादा, हम छोड़ देंगे ना आपको, कहाँ जाना। चाचा वो लोग तो रहे नहीं जिनके लेटर्स लेकर आप घूम रहे हो, क्या करोगे इन लेटर्स का, इन खतों का। वो लोग नहीं रहे लेकिन ये खत उनकी आवाजें हैं, ये उन लोगों के खत हैं जिनके परिवारों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। क्यों चाचा? ज्यादा दारू पीने से मौत हुई है। नहीं साहब, ये आत्महत्या है, ये चिट्ठी पढ़िए। ये सब तो फर्जी भी हो सकता है, पकड़ो ये। अच्छा एफआईआर दर्ज कराया? नहीं साहब, वो लोग पैसे मांगते। एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा तो पोस्टमार्टम कैसे होगा? अरे पता कैसे चलेगा कि दारू पी के मर रहा है कि कीटनाशक? पोस्टमार्टम करने वाले को तो पैसा देना पड़ेगा। पैसे हैं तुम लोगों के पास? पैसा कहाँ से लाए पैसा? और भाई ने तो आत्महत्या यही सोचकर की थी कि जो 1,00,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा उससे कर्जा मिट जाएगा और बाकी का परिवार के काम आ जाएगा। मतलब पैसा नहीं है? नहीं है। ठीक है, देखो मेरे पहचान का एक साहूकार है, वो थोड़ा ब्याज ज्यादा लेगा लेकिन तुम लोगों का काम हो जाएगा। रास्कल्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कृषि मंत्री, कोई भी नहीं आया इस इश्यू को देखने के लिए। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तो जब टीवी और अखबार वालों ने बात उछाली तब मुख्यमंत्री को आना पड़ा। मुख्यमंत्री जी पधारे, 2 मिनट भाषण दिया, 4 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। 4 महीने हो गए मुआवजे की शक्ल तक नहीं देखी। 2 मिनट भाषण दे के बिजली कंपनी में चले गए। वहां से कर मिलता है ना, हम तो सिर्फ वोट के लिए। मैं ये एड्रेस पूछ के आता हूँ, ठीक है? ए हरी, ए तुकाराम, तुकाराम, एक मिनट जरा। ये लोन के चक्कर में अपना सब कुछ बेच के यहाँ मजदूरी कर रहा है। अपने बाप दादा की जमीन बचाने की बहुत कोशिश की इसने। ज्यादा दूर नहीं है, नजदीकी है, चलिए। चलो चलो चलो। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, आपका फोन मैम। क्यों नहीं चाचा, नंबर बताइए। 9 8 8 2 2 1 0 0 1 8 5 5 9 0 काट रहे हैं। फिर से ट्राई करता हूँ। सामने से काट रहे चाचा, किसका नंबर है? मेरी बेटी का। ओहो चाचा, उसे मेरा नंबर थोड़ी ना पता है। मैसेज करता हूँ। हिंदी में कर ले, तेरी इंग्लिश तो वैसे भी उसको समझ में नहीं आने वाली। इतना तो मुझे भी पता है। अभी जो फोन तुम्हें आया वो तुम्हारे पिताजी तुकाराम ने मेरे नंबर से किया है, उठा लेना। अभी करता हूँ। फिर से काट रही है।
साहिब को ये मुद्दा बताना पड़ेगा। पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप टेंशन मत लीजिए। रूलिंग पार्टी के देखिए कैसे बैंड बजाते हैं हम लोग। आई थिंक इतना काफी अपने प्रोजेक्ट के लिए। क्यों, चलो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। ये भी तो सीखना पड़ेगा। क्यों चुप रहे, हमेशा मुकलते हैं तो बकवास ही करते हैं। बकवास नहीं, सही बोल रहा है यार, अपना प्रोजेक्ट और भी ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। गॉन मैड व्हाट, क्यों रिस्क लेने का? ओए मास मीडिया सीख रहे हैं, यहाँ किसी ने देख लिया ना तो यहाँ मैसेस मसल कर रख देंगे, सारी मीडिया गिरी निकल जाएगी। छोड़ ना यार कृष्णन, चल फट रही है इन लोगों की, तू चल। हाँ चल चल, फट्टू साले। यार ये लोग मरेंगे और मरवाएंगे भी। ये सब लोग बैठे बैठे बोलना जानते हैं। किसानों के लिए हमारी पार्टी ने हमेशा से ही लड़ाई लड़ी है। एक बार सिर्फ हमें रूलिंग में आने दीजिए, फिर देखिए हम महाराष्ट्र को कहां से कहां ले जाते हैं। और आपका ये मुद्दा काफी है रूलिंग पार्टी को गिराने के लिए। माला माफ करा। अरे दादा क्या हुआ? मैं यहाँ सरकार गिराने उठाने नहीं आया हूँ, किसानों का मुद्दा लेकर आया हूँ। ओ दादा, दादा आइका, दादा, दादा। चचा, चचा, ओ चचा, चचा, चचा। वहाँ जाना है। तुम लोग यहाँ? हम छोड़ देते ना आपको। छोड़ते ना? क्या हुआ? He looks upset. Yeah, I don't know. We'll see the handicam later. Idea आ जाएगा। कौन? ये ले। ये क्या? Address. He has to go. Okay. कोई बात बनी? उनसे मिलकर। तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग हमारी समस्याएं सरकार तक पहुंचाकर हमारी मदद करोगे। तुम ही लोग कुछ बोलो, वो लोग तो कुछ करने वाले नहीं, वो तो सिर्फ बोलना जानते हैं और सत्ता चाहते हैं। हाँ, इट्स ओवर हियर। आप लोग जो जानना चाहते थे मैंने बता दिया। आप लोग कुछ कर सकते हो तो करो, बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा एक मिनट। काका, यहाँ कहाँ जा रहे हो? ये बिल्डिंग उन्हीं कंपनी वालों की है जिन्होंने मेरी जमीन छीनी है। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या नंदगांव? उसे रुकने को बोलो, आपको बताएंगे। अपना काम हो गया और ऐसे एक दो और मिलेंगे, उससे कुछ पोषण शुद्ध कर लेंगे। हाँ यार, इनके चक्कर में पड़ के ना मजा नहीं है, गले पड़ जाएंगे। मदद करा, ऑब्वियसली इनको तो यही लग रहा है ना कि हम एनजीओ से हैं, सोशल वर्कर हैं। सुन जरा चेक तो कर वो कार्यकर्ता की ऑफिस वाला क्या रिकॉर्ड हुआ है, मालूम तो पड़े उनका मुंह क्यों लटका हुआ है। डोंट डिस्टर्ब मी विद दीस स्मॉल प्रॉब्लम्स, गो एंड डील विद इट। ओके सर। मैं यहां सरकार के रहने कैसे लोग हैं यार, किसानों का मुद्दा लेकर आया हूं। किसी को भी गुस्सा आएगा, अपना ही फायदा देख रहे तुकाराम को लेकर। हम लोग भी तो वही कर रहे हैं। क्यों प्रोजेक्ट को लेकर उनसे अपना मतलब नहीं निकाल रहे? देखिए इसमें सिर्फ हमारा मतलब नहीं है, गांव के सारे किसानों को भी ध्यान में रखा गया है। आपका हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स, ये सब मिलेंगे, और क्या चाहिए आपको। यहाँ तक कि आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज भी बनवाएंगे, ये प्लानिंग है हमारा, समझे? देखिए मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि आप हम किसानों की जमीन वापस कर दो, फिर अपनी प्लानिंग जहां मर्जी करो।
ये जमीन किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। ये जमीन हमारे बीवी बच्चों का पेट पालती है। देखिए चाचा, फिर तो आपको सरकार के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन हमको सरकार ने दी है, आपसे जबरदस्ती तो ली नहीं गई है। अबे सरकार ने इसलिए दी है क्योंकि तुम लोगों ने सरकार से मांगी, सरकार पर जोर दिया और सरकार को अच्छे अच्छे सपने दिखाए विकास के नाम पे। देखो ऊंची आवाज में बात मत करो। क्या ऊंची आवाज में बात मत करो, तो एक तो जमीन हमारी, ऊपर से तुम लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे हो। देखो किसान अनपढ़ जरूर होता है लेकिन बेवकूफ नहीं होता, समझे? क्या बोला आपने बड़े अफसर को? बोला बोला मैं बात करता हूँ उससे। ए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बाहर निकालो इसे, पागल हो गया ये। ले जाओ, ले जाओ बाहर, सामने सामने ले जाओ इसको बाहर। अरे तो कम आते, ले जाओ कम आते, मैं कह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, क्यों फालतू में परेशान हो रहे मुंबई आकर? Let him try. जितना easy लगता है, उतना easy नहीं है। Do not take this matter lightly. छोटा सा आदमी, छोटी सी बात, ये आदमी मेरे project को बर्बाद कर सकता है. Do you understand? You should have handled this matter diplomatically. Now go on, get out. Get out. यार ये लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं in such a condition? बिजली का problem. अपना काम हो गया. नंदे जन का खर्चा बच गया, 10,000 बच गए। यार लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है ना, पूरे इंडिया की है। विदेशी सीट ने बैंड बजा के रखी है फिर भी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। यार देख, इसके इंटेक से विटामिन लेवल्स भी कम जाते हैं अपनी बॉडी में, जबकि ऑर्गेनिक सीट से विटामिन लेवल्स ज्यादा जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक साइंटिफिकली क्रिएटेड एंड नॉट नेचुरल। अब क्या पता इसमें जो सैलड है वो भी विदेशी सीट की पैदाइश हो। नहीं, वो मुख्यमंत्री साहब से मिलना है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी से मिल लेना, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकते। अपॉइंटमेंट है? अरे उनको बोलो नंदगांव से तुकाराम आया है, वो हमारे गांव आए थे, पहचानते हैं मुझे, बोलो तुकाराम आया। अच्छा पहचानते हैं आपको? हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या काम है बताइए। ये देखिए, ये सब खत जो है ये उन किसानों के हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। ये ठीक है, और इसलिए उनसे मिलना बहुत जरूरी है। यही बात करनी है ना? जी जी जी, ठीक है मैं बता दूंगा उन्हें। भाई आप समझ नहीं रहे हो, वो कंपनी वाले हमारी जमीन दबाकर बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं सरकार ने जमीन हमें दी है, अगर ये जमीन चाहिए तो जाकर सरकार से लो। आपसे कहा ना कि सीएम साहब अभी बिजी हैं, मैं बता दूंगा उन्हें। अरे ऐसा कैसा बिजी है मानिक राव, हैं? अभी कोई कंपनी वाला आए तो नीचे उतर के ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत करेगा उसका अंदर ले जाने के लिए। और एक गरीब किसान के लिए 2 मिनट नहीं है उनके पास, वोट मांगने आते हैं तो ऐसा हाथ जोड़ के दांत दिखा के नमस्ते, सबको ऐसा करते हैं वो। कोई बुढ़िया होती है तो उसके पैर छूते हैं, कोई बच्चा होता है तो उसके कानों पे हाथ लगा देंगे, बाकी सबसे हाथ मिलाएंगे। बहुत जबान चलती है तुम्हारी, उस राज्य के मुख्यमंत्री है वो, जबान संभाल के बात करो, इज्जत से नाम लो उनका। अरे क्या इज्जत, इज्जत लगा रखी है, अगर हमारा मुआवजा मिल जाता तो इज्जत अपने आप आ जाती। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। रिलीफ फंड भी नहीं पहुंच रहा इनके परिवारों को। कितनी औरतों ने भी सुसाइड किया होगा, उनको तो ये लोग काउंट ही नहीं कर रहे। कितना बड़ा झोल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं 4 लाख फार्मर्स ने सुसाइड किए हैं अब तक। लो ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल कितने होंगे?
काहीतरी गडबड आहे. सौगुले जरा जाऊन बघ. Something is happening here. It's breaking news. Anil, मंत्रालय का फुटेज है. We can go live. मंत्रालय का फुटेज है. लाइव दिखाना है. मंत्रालय का फुटेज है. लाइव जाना है. उठा ले. जय महाराष्ट्र. मैं पूजा बोलकर अभी अभी की ताजा खबर आ रही है. मंत्रालय के बाहर एक किसान ने अपने आप को केरोसिन डाल के बोला आजच्या दिवसभरातली सगळ्यात महत्वाची बातमी ही आहे. देखिए हम आपको अभी कुछ बता नहीं सकते. मराठवाड़े से कुछ लेकर यहाँ पे आया था. कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो इसका टेंपर इतनी हद तक गया. जो भी हुआ होगा ना अभी मालूम पड़ जाएगा. चला, चला। मिनिस्टर ना हुआ भगवान हो गया. एक गरीब किसान से मिलने के लिए दो मिनट नहीं उसके पास. और बड़े बड़े व्यापारियों के तलवे चाटते रहते हैं. ओ, गप्पा बसा आणि आवाज नाही करायचा. तोंड बंद ठेवा. काय झालं? काय काय नाही. मंत्रालय समोर तमाशा करत होता. अरे गाँव में आके चिलकती धूप में हल चला के देख फिर तुझे पता चलेगा. शहर में क्या खाता है तू? अनाज खाता है, दाल खाता है, फल खाता है, मसाला खाता है. इसमें से कुछ उगता है तेरे शहर में? कम किसान लोग उगाते हैं ये सब. अंकल अब तब तेरे पेट में जाता है. बात करता है. क्या कर रहे हैं अंकल? पहुँचाएंगे आपकी बात. अभी अपना दिमाग शांत रखो. अरे कब पहुँचाओगे? सुबह से सुन रहा हूँ. जब वहाँ खेतों में लोग आत्महत्या कर रहे हैं किसान लोग. पहुँचा देंगे अंकल, अब शांत रहिए. साहब. हाँ, आपने इस लड़की को देखा है क्या? क्यों? डीसीबी अरुण बजाज की लड़की है वो. तुमको कैसे मालूम? अपना मुंबई पुलिस का प्रोग्राम रहता है ना, वहाँ बजाज अपने फैमिली को लेके आया था, तभी मैंने देखा इसको. फोन लाओ साहेबला. फोन लाओ, लवकर जा. ये तुम कैसे जानते हो इसको? कहाँ मिला है तुमको? सर आप हमसे ज़्यादा इन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना. तुम्हारे डैडी को बताए तुम इधर पुलिस स्टेशन में इसके चक्कर में आए यहाँ पर? नहीं. क्यों? ये लो. हाँ नमस्कार सर, सुनील बोलता है. सर आपकी लड़की पुलिस स्टेशन में आई है. इधर वहाँ क्या कर रही है? सर एक किसान ने मंत्रालय के सामने आत्महत्या करने का कोशिश किया था केरोसिन डाल के खुद के ऊपर. उधर वो अपने दोस्तों के साथ उसको बचाने आई थी. अभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन में उसको छोड़ाने आई है. ठीक है, उसको फोन दो जरा. यस सर. लो. क्यों उंगली कर रहा है? अब इनको फोन लगा कर क्यों बीच में घसीट रहे हो? बात करो. हाँ पापा. What happened? वहाँ क्या कर रही है उसके साथ? पापा first listen to me. ये आदमी बहुत depressed है और इनके पास में काफी सारे farmers की suicide letters हैं जिनकी families को अब तक मुआवजा नहीं मिला. और उसके अलावा हमारे पास में handycam में शूट किया हुआ फुटेज भी है. अब देखोगे आप सब समझ जाओगे. पापा ऑल आई वांट टू से इज कि आदमी पहले ही अपनी लाइफ से परेशान है, उसके ऊपर गवर्नमेंट से परेशान है. आई अंडरस्टैंड सुसाइड अटेम्प्ट इज अ क्राइम, लेकिन अब आप इनको ये पुलिस कोर्ट के चक्कर में डाल करके और परेशान मत करिए. पापा सी ही इज जस्ट मेंटली नॉट स्टेबल एंड ही नीड्स काउंसलिंग. ओके इंस्पेक्टर को फोन दो. राइट लीजिए, आपसे बात करेंगे. हाँ सर. सुनो उसे भी जाने दो और उसे आसरा का हेल्पलाइन नंबर दे दो. आई थिंक ही नीड्स काउंसलिंग. ओके सर, एज यू से. सर गेट के बाहर एक किसान केरोसिन डाल के खुद को जलाने की कोशिश कर रहा था. हर बार बासी खबर लेके आता है. पुरानी याद आते तेरी. मीडिया वाले तो उससे पहले हमको खबर दे देते हैं. वो दिखा रहे कि जिन किसानों ने अब तक आत्महत्या की है उनके परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं पहुंचा है. इस आदमी को पहचान गया मैं. ये वो पिछली बार हम नंदगांव पेट के दौरे पर गए थे ना, वहाँ मिला था. जानबूझकर नाटकबाजी कर रहा है मीडिया वालों को देख के. सर वो जो कंपनी को आपने जमीन दी है उसकी बात करने लगा. सर आप रिलैक्स रहिए, मैं सब संभाल लूंगा. नजर रखना इस पर. जी सर.
आसरा हेल्पलाइन का नंबर है, सुसाइड हेल्पलाइन है, इनको काउंसलिंग के लिए उधर लेके जाओ, ठीक है? ये लो, एक मिनट। ठीक है काका, पुनः आशा करो ना का। हाँ, और तुम लोग इनका ध्यान रखो रे। ठीक है, लेके जाओ। चलिए चलो चलो। ए चला का हाथ चला, ए कब गुमन चला। अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हैं, होटल में थी, पकड़ने गई थी, धंधा करो थी। कर्ज चुकाने के लिए तुम ऐसा मेरी बेटी है, इसको छोड़ दो। कार्रवाई करना पड़ेगा ना, कल आप आ जाओ। चलो क्या बता सकते आपको सरकार से, क्या शिकायत है, क्या कह रहा है, आपकी डिमांड्स क्या है, महाराष्ट्र के कौन से आत्महत्या की वजह क्या है? देखिए देखिए देखिए, ये महाराष्ट्र के रूरल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ये उन लोगों के सुसाइड लेटर्स लेकर हमारे मुख्यमंत्री साहब से मिलना चाहते थे, बट आई गेस कोई बात नहीं बनी। सो ड्यू टू द फ्रस्ट्रेशन एंड डिप्रेशन ही ट्राई टू कमिट सुसाइड। मिलने की वजह क्या थी? जिन लोगों ने आत्महत्या की उनके परिवार जनों को मुआवजा मिले, दैट्स इट, जल्द से जल्द। और ये सब जानकर आप लोग टीवी पे नीचे टिकर पर कोई खबर डाल देंगे, या तो न्यूज़पेपर में थर्ड या फोर्थ पेज पर ये न्यूज डाल देंगे, ना तो जिसे कोई देखेगा ना तो कोई पढ़ेगा। वी आर स्टूडेंट्स स्टडिंग मास मीडिया एंड जर्नलिज्म, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना हो सके हाइप कीजिए, पब्लिक का और सिस्टम का ध्यान जाना चाहिए, तब जाकर के ऐसे लोगों की लाइफ पर कुछ फर्क पड़ेगा। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, ऑल इंडिया के फार्मर्स के बिहाफ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वहाँ एक एक आदमी सुसाइड कर रहा है, आप लोग जानते हो ना, फिर क्यों निग्लेक्ट कर रहे हो? बॉलीवुड क्रिकेट पॉलिटिक्स स्कैंडल यही हर कोई कवर कर रहा है, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड। एक और बात, वी कैन गिव यू अ मेमोरी कार्ड। हाँ, जिसने हमने हमारे हैंडीकैम से शूट किए फुटेजेस है, जिसे देखकर आप लोगों को पता चल ही जाएगा। आप चाहे तो उसे टेलीकास्ट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर, वो हमारे कॉलेज का प्रोजेक्ट है, तो मेमोरी कार्ड हमें वापस चाहिए, राइट? एंड वन मोर थिंग, ये खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे, ये सियापा मत करना। ये फुटेजेस आप सभी के लिए है, आप लोग आपस में समझ लीजिए। एंड गाइस नाउ प्लीज शो द एक्चुअल पावर ऑफ जर्नलिज्म। राइट नाउ वी आर इन हरी, आप अपना नंबर दे दीजिए। चलिए, ओ साला साला काम झाला ना आता, निगा इथून साला 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 निगा, क्या जी वो वहां से लेफ्ट, क्या हाँ लेफ्ट लेफ्ट, अच्छा वो लैंडमार्क है ना, हाँ तो बस हम लोग आधे घंटे में आ रहे हैं। जी जी, थैंक यू। हेलो, नमस्कार। हाँ, बोलो सीएम साहब, आपको कुछ आइडिया है क्या हो रहा है? मंत्रालय के बाहर वो आदमी जो अपने आप को जलाने की कोशिश कर रहा है, वो पहले मेरी ऑफिस में आया था, नंदगांव का है, वो उसी जमीन का है जहां मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और मीडिया मीडिया इसे फुल कवरेज दे रही है, हर चैनल पर लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा है, एनजीओस, ह्यूमन राइट्स वाले, और खास करके जो आपके ऑपोजिशन में हैं, वो इसका पूरा फायदा उठाने वाले हैं। सीएम साहब, आपको नहीं लगता है कि इसमें मेरा नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान होगा हैं? इतना क्यों सोचते हो यार?
पक्के बिजनेसमैन हो, और ये मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट क्या है, छोटा ही सही, 20% का स्टेक तो हमारे भी है, है कि नहीं? अपना प्रोजेक्ट बोला करो। सीएम साहब, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और याद है ना कि 15 दिन में मशीनरी का शिपमेंट आने वाला है। प्लीज सर, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ देखना ही तो हमारा काम है, और जब तक गड़बड़ ना हो मजा आता ही नहीं। आप निश्चिंत रहो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आपके गांव का नाम? नंदगांव, मराठवाड़ा। ऐसे लाखों तुकाराम की आवाज अब तक क्यों नहीं उठी? क्या सरकार ने उसे दबा के रखा? इसमें हमारे पॉलिटिशियंस और हेलो सीएम साहब, टीवी ऑन कीजिए। देखिए, तुकाराम इंटरव्यू दे रहा है। वो तो अपने गांव के किस्से सुना रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? टेंशन मत लो, सब ठीक है। अरे ठीक कैसे होगा सीएम साहब, ये मेरी कंपनी की इज्जत का सवाल है। इस किस्म की पब्लिसिटी मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे शेयर होल्डर्स का भरोसा उड़ जाएगा। सीएम साहब, बंद करवाओ इस टेलीकास्ट को। ये ब्रॉडकास्टिंग रुकाना हमारा काम नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का काम है। कितनी देर से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, सब ठीक है। समझते ही नहीं हूँ, लगता हूँ फोन। जय महाराष्ट्र। ये बिल्डिंग उन्हीं कंपनी वालों की है जिन्होंने मेरी जमीन छीनी है। से बोल रहा हूं, लेकिन ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। देखिए तुकाराम जी, आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना होता है। जीवन से लड़ने की ताकत जब खत्म होती है, किसी ना किसी मानसिक दबाव में आ ही जाता है। आत्महत्या जैसे विचार मन को घेर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान ले। आत्महत्या जैसे विचार मन से निकाल डाले। चाचा, आप इन्हें अकेले बिल्कुल मत छोड़िए, ये कुछ भी कर सकते हैं। ही इज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। ओके, श्योर। काका, चाचा, सुन, चाय बोलू? चाचा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है आपका। क्या हुआ?
कट गया। फोन दीजिए। हेलो हेलो येलो लग गया। माजी वाट बगू ने कहा तो तत्काल जी ठीक। अरे क्या बोल रहे हो आप? हेलो नहीं तुम जा हाथ जोड़ते तेना गांव वाला पहुंचवा तत्काल जी बरो समय मैं तुम जा हाथ जोड़ते तुम्ही चिंता करू नका आम्ही त्यांच्या बरोबर येत आहे। काका व्यवस्थित गावाला पोहोचे ते काही नाही करणार। सुनीताला भेटला का ते? सुनीता माझी मुलगी आहे। हो भेटली ती बरी आहे ती मजेत आहे। हो मजेत आहे ती। हे बघा काका व्यवस्थित गावाला पोहोचे तुम्ही अजिबात काळजी करू नका हां चिंता करू नका तुम्ही। मी ठेवतो हां। क्यों ऐसा कर रहे हैं उनके साथ? आपके अलावा है कौन उनका? आपको लेकर कितनी परेशान रहे वो? अरे ये काय है काका? मी नहीं येणार स्वतःची काळजी घे ये काय चाल रहे? क्या बोल रहे हो किसको बोल रहे हो कुछ अंदाजा है आपको? काका तुमची बाइको ही थी आप जब तक गांव वापस नहीं जाएंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा उनको समझ लीजिए आप। तुकाराम से संबंधित कुछ ऐसे विजुअल हमें मिले हैं जिसमें काफी सारी बातें चौंका देने वाली। सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये किती गंभीर आहे हे दिसून येतं या बातमीवर आपण असेल। ये मास मीडिया के वही चार छात्र है सगळ्यांच्या नजरा याच बातमीवर टिकून राहिले आहेत। जो पिछले 20 सालों से किसानों का होता आ रहा है मतलब आज यहाँ क्या हमारे मुख्यमंत्री हमारे किसान नाम चला जा रहे हैं जी सर। ये सब क्या देख रहा हूँ? अभी इसी वक्त उसका हल निकालो नहीं तो पब्लिक का आक्रोश बढ़ जाएगा और हमसे विश्वास उठ जाएगा। जी मैं तुरंत इसका हल निकालता हूँ। जितना जल्द से जल्द हो बेहतर रहेगा। आज ही उसका हल निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लो तो और भी बेहतर रहेगा ताकि कल विपक्षी दल को लोकसभा में हंगामा करने का कोई मुद्दा न मिले। जी जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए मैं देख लूंगा। त्रिपाठी यस सर कम इन एंड आल कुडे என்ன பண்ணிட்டு இருக்கே அம்மா உங்க கிட்ட யார் சொன்னா யாரும் சொல்லலை நான் டிவி லை பாத்தை எங்க இரண்டாலும் சீக்கிரம் அம்மா கேளுங்கை வீட்டுக்கு வந்து சைரு எண்ட் ஆல் கஷ்டம் லே இருக்கனம்மா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிசன் எனிதிங் அம்மா அவன் கஷ்டம் காகை நீ கஷ்டத்தலை வாந்தார்வு சீக்கிரம் வீட்டுக்கே வந்து சைரு அம்மா கே नहीं मानो बॉयफ्रेंड के कॉल उठा 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 हेलो वेयर आर यू राइट नाउ आई एम विद माय फ्रेंड्स डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर कॉलेज देखा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है तुम्हारा बट वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट लीव दैट प्रोजेक्ट व्हाट नो यार हाँ ये बोल हे काय बघते मी टीव्ही मध्ये अग आई ऐकून तर काय मी काय बोलतो तू कशाला दुसऱ्याच्या भानगडीत पडतोयस तू घरी निघून ये हे बघ हा जो शेतकरी आहे ना त्याचा एक प्रॉब्लेम आहे तर त्यासाठी त्याने मुख्यमंत्र्यांना भेटायचं आहे मला तुझं काही ऐकायचं नाहीये अरे समस्या सगळ्यांना असतात तू काय सगळ्यांच्या समस्या सोडवत बसणार आहेस का तू निघून ये म्हणजे निघून ये हो आई आई अब तेरा फोन बजेगा देख मेरा नहीं बजेगा मैंने पहले ही स्विच ऑफ कर दिया है एंड या आई थिंक तुम लोगों को भी स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर घर नहीं जाना चाहते हो तो
कोई जबरदस्ती नहीं है, वरना ऐसे ही बार बार घर से फोन आते रहेंगे। अप टू यू गाइस, देख लो। चले या चलो, कम ऑन। ये कहाँ गए यार? Shit! You know इनको ये can do anything. Don't. ए मैं यहीं रुका हूँ. Okay. मंत्री जी, इस ब्रॉडकास्ट को आप ही रुकवा सकते हो, वरना पहले तो ऑपोजिशन वाले आपकी सरकार के खिलाफ इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और दूसरी बात, जो जो मंत्री इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके उन सभी के नाम बाहर आ जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? Yeah, that's true. But don't worry. Within 2 minutes, ये सारे footages off air हो जाएंगे। Good. Hello, सुरेश चौबे बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार सर। कहिए कहिए, कैसे याद किया? What is this nonsense? Stop this Tukaram suicide footage. Okay? और सबसे पहले उसका इंटरव्यू दिखाना बंद कीजिए, इमीडिएटली, इसी वक्त। क्या बात है सर, एनी प्रॉब्लम? हम तो हमारा काम कर रहे हैं। या यू आर डूइंग योर जॉब, बट दिस विल ब्रिंग पब्लिक आउटरेज, एंड इवन यू पीपल आर सिंपली आउटरेजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज हु अटैक अस। और वैसे भी आपके ये फुटेज जो हैं, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल टू आवर सोसाइटी। सर ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है या नहीं पता नहीं, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट के लिए है। देखिए सर, इट्स नॉट लाइक वी आर क्रिएटिंग स्टोरीज फॉर द सेक ऑफ टीआरपी। ये तो जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं। व्हाटएवर इट इज, इसे फौरन बंद कर दो, वरना मजबूरन मुझे आपके चैनल का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दैट यू डोंट वांट टू डू। यस सर, एज यू से बेटर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का फोन था, कह रहे हैं ये तुकाराम के फुटेजेस दिखाकर हम पब्लिक को भड़का रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भड़का रहे हैं इनकी सरकार के खिलाफ। लेट्स डू वन थिंग, फुटेजेस ऑफ करो, लेकिन डिस्कशंस, डिबेट्स, टॉक शोज ये सब ऑन रखो, किसी भी तरह से इस मामले को गर्म रखो। क्लियर? यस सर। गुड। तुकाराम सबको हिला दिया है। चाचा बोलिए, क्या चाहिए? वो चाहिए। वो क्या? हरा डिब्बा। अच्छा, बेगन? हाँ। इसका 270 रुपया।
इससे छोटे वाला है? नहीं अंकल, यही छोटा, बाकी सब बड़ा है। मेरे पास 230 है, दे दो ना। नहीं आएगा, पूरे पैसे लेके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, 40 रुपए है, मैं पॉकेट मार ली किसी ने, गाँव वापस जाना। बड़ी मेहरबानी, पैसे नहीं है, बहुत बार बन चुका हूँ। भाई साहब 40 रुपए हैं, किसी ने पॉकेट मार ली मेरी, मुझे गांव जाने का है। हाथ पैर सलामत है तो मेहनत मजदूरी करो, भी क्यों मांग रहे हो? मैं भिखारी नहीं हूं। चल हट, आ जाते काका से। रोकना बहुत जरूरी है सीएम साहब, बहुत जरूरी है। अगर ये दोबारा मीडिया के हाथ में आ गया ना, तो समझ लो सब खत्म हो जाएगा। शांत रहो यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना ही होना चाहिए, वरना मैं इस बूढ़े को खत्म कर दूंगा, इसकी वजह से अपनी जमीन गवाऊं। नेवर। और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की कोई दूसरी जमीन अलॉट कर दूंगा। रॉय साहब, दूसरे एंगल से भी सोचना पड़ता है। इससे पहले कि विपक्ष, ह्यूमन राइट्स या कोई एनजीओ बवाल खड़ा कर दे, जल्द से जल्द हमें इसका हल निकालना है। हाई कमान से भी यही ऑर्डर्स हैं। सुनो सर, अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोल दो, वो जहां कहीं भी दिखाई दे उठा लो उसे, और 2-3 दिन के लिए उसे कहीं छुपा दो। उसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, 25-50 हजार रुपये देकर उसे प्यार से उसके गाँव वापस भेजो। विपक्ष के हाथ में नहीं लगना चाहिए वो। You got it? हाँ जी। हाँ। वाह क्या बात है, जिस आदमी की वजह से इतनी परेशानी हो रही है उसकी ही खातिरदारी हो रही है, बहुत अच्छे। पॉलिटिक्स है ये, आपकी समझ में नहीं आएगी। और ऐसा कोई भी कांड करने का सोचना भी मत जिसका रिएक्शन हम खुद हैंडल ना कर सके, समझ गए आप? किसान कर्ज में डूबने की वजह विदेशी बीज को बता रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, उनका कॉस्टिंग बढ़ गया है उससे, और सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे रही है। आज भी 5-6 लोग मर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो उस विदेशी बीज को बैन करना चाहिए। ये सबकी जड़ वही है, उस मल्टीनेशनल कंपनी को बैन करो जो मोनोपोली लेकर बैठ गई है। किसानों की जमीन उठाकर प्राइवेट कंपनियों को दे दी, 2-2 साल तक प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड नहीं पहुंचा। पहुंचा तो भी कितना सा, इतना सा। सरकार को किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है, उनकी बेटियों के शादी का खर्चा उठाया और लोन की फीसदी कम कर दी। इन सब मुद्दों को लेकर कल लोकसभा में बहस होगी। लोकसभा में बहस करके अब किसानों को क्या फायदा होगा? जो सहमत है वो टेबल थपथपाएंगे, और जो नहीं है वो पेपर स्पीकर के मुंह पे मार के निकल जाएंगे, सभा बर्खास्त हो जाएगी। एंड ऑफ द डे किसान। प्लीज हैंग अप एंड ट्राई योर कॉल अगेन। बंद है। वैसे गाड़ी कौन सी थी, उसका नंबर क्या है? सिल्वर XUV है, नंबर है उसका EMH 06CJ7782। मैं सुबह से मेरा चोकरा को फोन करती, उसका नंबर अनरीचेबल आता जी। लगता है सबने साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि फोन स्विच ऑफ कर दे, ताकि हम उनको बार बार फोन ना कर सके। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चादर आठ बटवा। पुलिस अपने काम पे लगी हुई है, बहुत जल्द मिल जाएंगे वो। अभी सुबह मेरा पॉकेट कट गया, अब गांव जाने का बड़ी मेहरबानी होगी, मैं पहुंचूं तो वहां। अरे क्या कर रहे हो आप, वहां से उसको चले गए थे? उस आदमी से क्या बात कर रहे थे? तुम्हारे पास 40 रुपए? 40 रुपए क्यों चाहिए? आप भूख लगी क्या? हो गया बोलो। जहर खाऊंगा जहर। क्या बोल रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो आप? आइए
हेलो। अरे यार पक गया हूँ मैं ढूंढते ढूंढते। अच्छा सुन सुन सुन, तू यहाँ पे पार्किंग लॉट पे आ जा, तुकाराम अंकल भी मेरे साथ में, और सुन उन दोनों के साथ भी कोऑर्डिनेट करो, मुझे मिलो यहाँ पे जल्दी। ओके ओके आता हूँ। सर अभी अभी पता चला है कि विपक्षी दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के तुकाराम के सपोर्ट में मीडिया वालों से बातचीत की है। यही कह रहा था मैं, जिस बात का डर था वही हुआ, अब आप संभालिए। यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह मुद्दा कल उठा ही ना, इसलिए फैसला अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा। तुकाराम जिस गांव से, वो पूरा बेल्ट हमारा वोट बैंक है, ये भी सोचना पड़ता है। और ये विपक्ष वाले तुकाराम का सपोर्ट करके हमारा वोट बैंक हमसे छीनना चाहते हैं। क्यों इन लोगों की वजह से अपने आप को मारने पर तुले हो? अब की बार पकड़े गए ना तो छोड़ेंगे नहीं ये लोग आपको। पता है आत्महत्या करना कितना बड़ा क्राइम है, गुनाह है गुनाह। जरा अपने दिमाग को शांत रखिए प्लीज। वहां आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है, परेशान हो रही है आपके लिए, जरा उनके बारे में तो सोचिए आप। देवा टेंशन मत लेना, तुम्हारे करोड़ों का नुकसान हम होने नहीं देंगे। 5 साल और रूलिंग में रहना, दरबों खरबों का फायदा करा देंगे। आप जैसे इशू के अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। इनका रिलीफ पैकेज, विदेशी बीज की मोनोपोली, बिजली पानी सब देखना पड़ता है। वोट बैंक बचा के रखनी पड़ती है ना, अगर टूट गई तो हाईकमान हमको भी कहीं का नहीं रखेगा। हम अपना पॉकेट भरते हैं ना तो गरीबों का भी ख्याल रखते हैं। पॉलिटिक्स है ये, सबकी समझ में नहीं आएगी। हाँ आई कैन सी यू, या वेट। यार ये रेलवे ट्रैक पर खड़े दिखे थे मुझे, चाचा मेरे पापा थे इसलिए छोड़ दिया, अब बार बार ये सब करते पकड़े गए ना नहीं छोड़ेंगे। शिट, थिंक ऑफ द डेविल, डेविल का फोन आया। कौन, तेरे डैड? हाँ यार, फिर तो उठाना ही पड़ेगा। हेलो कादंबरी। या पापा। देखो तुम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचो। और तुम लोगों ने फोन क्यों बंद रखा है? पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई जस्ट डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। तुम और तुम्हारे दोस्त जितनी जल्दी हो सके यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचो। अरे तुम्हारे दोस्तों के पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, परेशान हैं। डोंट यू अंडरस्टैंड? इससे जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंचो और तुकाराम को भी साथ में लेकर आओ। नो पापा, वी आर नॉट कमिंग राइट नाउ। देखो जिस गाड़ी में तुम लोग ट्रेवल कर रहे हो उस गाड़ी का नंबर वायरलेस पर इन्फॉर्म हो चुका है। तुम लोग इजीली ट्रेस हो जाओगे, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? इसलिए जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन पहुंचो। पापा अभी हम नहीं आ सकते, आई एम सॉरी। कादंबरी कादम, फोन स्विच ऑफ करो, फोन स्विच ऑफ करो अपना। पुट योर फोन ऑफ। या गाड़ी का नंबर वायरलेस पर इन्फॉर्म कर दिया गया है। मिला कहाँ से नंबर? यार तुम सबके पेरेंट्स वहां मेरे डैड के साथ में बैठे हुए हैं। तेरे डैड ने बताया होगा। शिट यार क्या सियापा है यार। हाँ फिर, हाँ फिर, हाँ बोलते जाओ, उसके बाद ठीक है। ठीक है लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जो भी शर्तें हैं बाद में बैठ के समझ लेंगे, फिलहाल उस आदमी ने जो इश्यू खड़ा किया है उससे हम निपट लेते हैं। कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है ना इनको अरेस्ट करने का। चाचा मुंबई में कहाँ ठहरे हो? नवी मुंबई। नवी मुंबई तो फिर सही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब सीधा ले ले, सीधा ले ले। ओके। अगर सखू कशा पाई तरस करून घेतेस, अगर रागाच्या भरात लोक काय भी करतात
तू नग काळजी करूस, अग तू येतील परत। मी त्याला चांगले ओळखते, जे ते ठरवतात तेच ते करतात। लय चित्ते आहेत। चाचा अभी हम आपको आपके घर छोड़ रहे हैं, कल आपकी बेटी को भी ले आएंगे। आप दोनों गांव चले जाइए, वहां आपकी बीवी भी तो परेशान है आपको लेकर। आप दोनों को देखेगी तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। यस सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ फौरन। जी सर। गाड़ी सिल्वर कलर की होती, एक्सयूवी? हाँ साहब, सिल्वर कलर की काहीतरी अशी मोठी गाड़ी होती बघा। अच्छा, तो म्हातारा गाड़ी खाली का आला? अहो साहब, मला काय माहिती, त्या म्हाताराला वाचवण्याच्या चक्कर मध्ये मी माझ्या गाडीचं नुकसान करून बसलो। ते बघा, हाँ गाड़ी सिल्वर कलर की एक्सयूवी, गाड़ी नंबर MH06CJ7782। सर गाड़ी अभी यहाँ से निकली हुई है। कहाँ से? वाशी ब्रिज से। सिल्वर एक्सयूवी है ना? हाँ वही गाड़ी है, जल्दी ट्रेस करो। ओके सर, ए चलो गाड़ी निकालो। हाँ जाता हूँ। गाड़ी नवी मुंबई की तरफ जा रही थी। ट्रेस करो, ट्रेस करो, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ लेकर आओ पुलिस स्टेशन में, और साथ में वो तुकाराम को भी। ओके सर। ओके सचिन। हाँ जल्दी कर, चलो ना कर, क्रॉस कर। हाँ यार, पुलिस सानपाड़ा सिग्नल पे भी तो खड़ी हो सकती है, वायरलेस से तो इन्फॉर्मेशन सबको मिलती है। पाम बीच रोड से निकल। यहाँ से गाड़ी पास नहीं हुई है, मैं यही खड़ा हूँ। शायद पाम बीच रोड पकड़ा होगा, चलो पाम बीच ले लो। ठीक है, धन्यवाद। आइए आइए काका जी, धन्यवाद। आइए, देखा आपको टीवी पर पुलिस वालों से झगड़ा करते, खुद पर केरोसिन डालते। अरे क्या चल रहा है कमरे में, वो पंखा टूटा पड़ा हुआ है। अरे मंगेश कदम को मिलने के लिए कहा था ना आपको, आप पहुंच गए मंत्रालय, वो भी केरोसिन लेके। क्या पागल हो गए हैं क्या? एक मिनट काका, ये कौन है? मैं इनकी गोली में रहता हूँ। हे बाबा, आपकी मेहरबानी जो आप इन्हें यहाँ लेकर आ गए। काका अभी आप इनका ध्यान रखिएगा, और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, और फिर से ये कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे उसका भी ध्यान रखिए। अभी आप चिंता मत करिए, वो मेरे साथ रहेंगे, मैं उनका ध्यान रखूंगा। ठीक है, थैंक यू अंकल। काका आम्ही निघतो, आणि काका स्वतःची काळजी घ्या। चल काका। चल 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 काका, चल। क्या कदम कदम लगा रखी है तुमने, वो कदम अपनी चालें चल रहा है, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में प्यार से बिठा के हैं, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सरकार गिराने के चक्कर में है वो, मेरा इस्तेमाल करके। ये कदम कदम, कदम 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 सब स्वार्थी होते हैं। चला तुम्हें चला बर, सकाळ पासून फिर 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 फिरता है।
पहले किसी होटल के पास पानी की बोतल लेने है। बोतल सो बहुत पड़ी है ना यहाँ पे, सब गर्म हो गए है, ठंडा पानी पीना है। घर तक छोड़ा है ना उनको, टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है अभी। उनका कोई फ्रेंड है उनकी ही रूम है साथ में, वही साथ में रहता है। He'll take care of him. चलो अच्छा है, कहाँ से सफर शुरू हुआ था और कहाँ आके खत्म हुआ? किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। हमारे किसान भाई बंधु अपने आप को अकेला महसूस ना करें, हम उनके साथ हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। और सिर्फ सहानुभूति नहीं, कुछ ठोस कदम हम उनके लिए उठाने वाले हैं। दो पानी का बॉटल देना। नंबर एक, किसानों को उनकी जमीन वापस मिलेगी। गाइस, गाइस। नंबर दो, जिन परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है उन्हें 2 दिन के अंदर मुआवजा मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या तय होगी इसकी जानकारी 2 दिन के अंदर मैं स्वयं आपको दूंगा। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, विदेशी बीज की समस्या, इन सभी समस्याओं के बारे में। यार ये न्यूज़ तो तुकाराम अंकल तक पहुंचनी चाहिए। मैं फोन करता हूँ। और बहुत जल्द। अरे यार मैंने उनका नंबर ही नहीं लिया। काश अभी तुकाराम अंकल साथ में होते ना तो उनका मूड ठीक हो जाता। सुबह से एक स्माइल नहीं देखी उनके चेहरे पे। हाँ यार स्माइल देखनी है तो चलो अभी दिखाती हूँ कितना दूर है। टोपी सुनीताला फोन केला होता, भेटला तिला? हे भगवान, कशी आहे ती? काका सुनीता कशी आहे? चांगली आहे। एक काम करा, उद्या सकाळची पहिली एसटी पकडून तुम्ही गावी जा। काकेशी बोलणं झालं की नाही? तिला आता फोन करून सांगा की तुम्ही उद्याच गावी परत येताय म्हणून। ते तुमचं टीव्हीवरचं नाटक बघून तिलाही काळजी लागलेली असेल। काका फोन घ्या आणि फोन करा। माझा फोन बंद आहे, बॅटरी पण उतरली आहे। हा घ्या माझा फोन, बोला तिच्याशी। माझ्याकडे नंबर नाही, नंबर फोन मध्ये। तुमचा फोन द्या, चार्जिंगला लावतो। आणि आज तुम्ही लवकर झोपा, सकाळची 8:30 पहिली एसटी पकडायची तुम्हाला। अहो काका फोन द्या, मी तुम्हाला फोन मागतोय, फोन द्या ना। गरम का है? जहाँ पहुँचना था पहुँच गए साहब, सही सलामत। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हेलो। हाँ सर। हाँ बच्चे लोग तो मिल गए? तुकाराम? तुकाराम नहीं है उनके साथ। ठीक है उन चारों को तो लेकर आओ। ओके सर। मिल गए, रिलैक्स।
ओए, तो क्यों मुंह लड़के है बैठे? तुकाराम अंकल का स्टेट ऑफ माइंड जो है ना, वो चेंज नहीं हुआ है। आई मीन टू से, वो इस सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल अनजान है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ दिस गुड न्यूज यार। अगं सखू थोडं खाऊन घे ग बाय वाईच, अगं ते उद्या येतील परत गावी। ते नाही येणार, ते म्हणाले होते माझी वाट बघू नका। ते नाही येणार, येतील। हेलो, बोला। हाँ तुकाराम काका, ये जिंदा है काका? मैं सचिन बोलता हूँ। हाँ सचिन बोल। काका आपके लिए खुशखबरी है। बोल बोल। सरकार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की जमीन वापस देने की बात की है और 2 दिन के अंदर मुआवजा भी पहुंच जाएगा आपके वहाँ पे। अच्छा काका, और एक खुशखबरी है आपके लिए, आपकी बेटी ना हमारे साथ में ही है। तो हम उसे लेके आपके यहीं पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है? काय पेपर पाहिजे मला? तुमचा फोटो आलाय बघा याच्यात। बोला। डरती कशाला? इथे लोक तुमच्या नावाचा जयकार करतात आणि फटाके फोडतात। मी तो मुलगी भेटली मला। हा मी ठेवतो, मी ठेवतो, आज येतो मी। बरं बरं। आज गावला येत आहेत। बघ, मी सांगितलं नव्हतं सखू तुला, आता तरी समाधानी आहेस ना? हॅलो, हा का हो?
लैंप पोस्ट के पास, गार्डन के यहाँ, या आई कैन सी यू, या हाय हाय, ये लो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट यार। इट्स ओके, अभी जल्दी में हूँ, चल कैच यू लेटर। या श्योर, हम लोग भी जल्दी में, शाम को मिलते हैं। सी या, बाय। चल चल बस, लड़की देखी लेके शुरू। ये अहो काका कुठे चाललात? हे बघा हे बघा, तुमचा फोटो पेपर मध्ये छापून आला आहे। हो बघितला मी। खुश आहात ना? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अहो थांबा ना, मी चहा बनवतो, चहा पिऊन जा। पिताजी को फोन लगा रही हो? हाँ। अचानक थोड़ी देर में क्यों फोन कर रही हो? यार आप करो फोन, पिताजी को फोन कर रही ना, करने देना तेरा कल्याण। काका हे ठेवा, इतना नहीं चाहिए। अहो ठेवा, कामी येते। बस बस बस, बर खूब है मला, सांभाळून। काका रे, रक्त निघाले। अरे एम्बुलेंस का बुलाओ, कोई एम्बुलेंस का बुलाओ। काका 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 काका। सूखी है धरती, सूखे खेत खलियान, सूखे सारे सपने, टूटे सारे अरमान। जाऊं तो कहां जाऊं, कुछ भी नहीं सूझे, खाली पिचके पेटों की भूख कैसे बुझे। कर्ज से बोझिल, तकाजों से परेशान, ओ मेरे दादा त्राहिमाम त्राहिमाम। वो एक दिन था जब मैं था अन्नदाता, खेती खलिहानों से सबका पेट भरता। ये भी एक दिन है मैं भूखा प्यासा मारा, जीवन से बोझिल ढूंढूं मुक्ति का किनारा। पूरे देश में किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, मेरी आप सबसे विनती है कि आत्महत्या ना करें। उससे ना आपको कुछ मिलने वाला है, ना आपके बीवी बच्चों को कुछ मिलने वाला है, बल्कि उन पे और कष्ट नहीं है। आपकी हमें जरूरत है, पूरे देश को जरूरत है। किसान ही तो पूरे देश का पेट भरता है, शहर में थोड़ी कुछ उगता है। और अपने हकों के लिए लड़ो, सरकार से अपनी शर्तें मनवाओ, धरना दो, आंदोलन करो। मेरी आप सबसे विनती है कि आत्महत्या न करें।